अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिन सुल्ताना, जिला परिषद उर्दू मदरसा बेड़ेगर कोल जिम कुंभारी शोलापुर। यहाँ पर मैं माविन मौलिमा के तौर पे काम करती हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बोरियत महसूस हो रही है, क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। क्या कहा, अम्मी बाहर नहीं जाने देते, वो आपकी हिफाजत के लिए ही तो कहती है, घर पे रहें, महफूज रहें। तो प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे सिफर का तसव्वुर, क्योंकि एक से नौ तक के ऐदाद आपने सीख लिए हैं, आज सीखेंगे सिफर का तसव्वुर। सिफर का तसव्वुर, प्यारे बच्चों, आपको सामने यहाँ पर दो बास्केट नजर आ रहे हैं। एक बास्केट में फल है और दूसरी बास्केट खाली नजर आ रही है। बिल्कुल, अब समझिए कि आपने घर में फल लाए हुए हैं और बास्केट में रखे हुए हैं। आपने सब फल खा लिए, अच्छे लगे, मीठे लगे, खा लिए। अब दूसरी बास्केट खाली हो गई। खाली हो गई यानी उसके अंदर अब सिफर फल हैं, कुछ नहीं है, यानी कि सिफर। अब आपको सामने अलमारियां नजर आ रही है। एक अलमारी में किताबें हैं और दूसरी अलमारी खाली है। खाली है यानी कि वहां पर सिफर किताबें हैं। आई बात समझ में? अब आपको इस तस्वीर में दो ट्रे नजर आ रहे हैं अंडे के। बिल्कुल, एक ट्रे में अंडे रखे हुए हैं, आपने घर में अंडे लाए हैं। अब दूसरी ट्रे खाली हो गई है, आपने खा लिए कुछ तल कर, उबाल कर। बिल्कुल, अब ये ट्रे दूसरी खाली हो गई है, मतलब कि यहाँ पर सिफर अंडे हैं। अब आपको सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है कि दरख्त को इतने सारे आम लगे हुए हैं। बिल्कुल, और ये आम अब हमने खाने के लिए पूरे तोड़ कर लिए। अब दरख्त के ऊपर कोई आम नहीं है, मतलब वहाँ पर आम की तादाद सिफर है। खालू जान ने लाए लड्डू, खालू जान ने लाए लड्डू, खा गई सारे नटखट गुड्डू। अब बताइए कितने बचे लड्डू? बिल्कुल सही, सिफर। ना है तोता, ना है मैना, ना है कोई चील कौवा, सारा जंगल खाली पड़ा है। खाली मतलब सिफर। दादा लाए तीन आम, तीनों ले गई शबनम। अब बताओ कितने बचे आम? सिफर। चार चिड़िया चार रंग, फिर से उड़ गई एक संग। बताओ कितनी चिड़िया बची? सिफर। शुक्रिया, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।